ये बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां जूस की दुकान पर जमकर हंगामा हुआ है। लोगों ने दुकानदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जूस की दुकान पर किस तरह से हंगामा बरपा है। जूस में पेशाब मिलाकर पिलाने का आरोप लगाया है दुकानदार पर स्थानीय लोगों ने, और जमकर तोड़फोड़ की है दुकान में। पुलिस ने दुकानदार आमिर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। दुकान में यूरिन की भरी हुई बोतल भी बरामद की गई है। थाना लोनी बॉर्डर इलाके की घटना है। आज दिनांक 13/9/2024 को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर के इंदिरापुरी चौकी क्षेत्र में जनता के द्वारा सूचना दी गई कि एक दुकान खुशी जूस कॉर्नर के संचालकों द्वारा जूस में मानव मूत्र मिलाया जाता है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो दुकान से एक केन से करीब 1 लीटर मानव मूत्र प्राप्त हुआ है। दुकानदारों से पूछने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल आमिर सनाफ साबिर खान तथा उसके एक बाल उपचारी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर मुस्लिम दुकानदार हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि मानव मूत्र मिलाकर जूस लोगों को दिया जाता था। दुकानदार आमिर, जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, ये पूरी खबर हमारे सहयोगी अमित राणा बताएंगे, फोन लाइन पर इस समय मौजूद हैं। अमित राणा, तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, हंगामा जूस की दुकान पर बहुत जबरदस्त देखा गया है, अच्छी खासी बड़ी ये जूस की दुकान है, क्या आरोप दुकानदार पर लगाए जा रहे हैं, पुलिस किस एंगल से मामले की जांच कर रही है, ये पूरी खबर विस्तार से बताएं। देखिए कंचन, बताना चाहूंगा ये पूरा घटनाक्रम जो है थाना अंकुर विहार क्षेत्र का है, जहां खुशी जूस कॉर्नर के नाम से एक दुकान है, जिसका कि शॉपकीपर जो है उसका नाम आमिर है। वो आमिर अपने एक बाल अपचारी बताया, उसके साथ उसकी दुकान पर एक काम करने वाला बाल मजदूर है। आरोप ये लगाया गया है वहां रहने वाले लोगों का कि जो आमिर है वो जूस के भीतर पेशाब मिलाकर लोगों को पिलाया करता था। इस बात को लेकर वहां हंगामा भी हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो लोग वहां पहुंचे के पास खरीदा जो पहुंचे थे, इकट्ठा होने के बाद उन्होंने दुकानदार के साथ मारपीट भी की है, और तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक कैन नजर आ रही है, उस कैन में मानव मूत्र भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि जैसे ही मारपीट की सूचना पुलिस तक पहुंची, मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। उनका कहना यह है अमित, ये जो लोग हैं जिनमें एक पीली टी शर्ट में एक व्यक्ति देखे जा सकते हैं जो पीट रहे हैं एक युवक को, ये कौन लोग हैं, ये स्थानीय लोग हैं या किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, कौन लोग हैं ये? देखिए शुरुआती दौर जांच में जो बताया गया है, ये वही लोग हैं जो वहां पर जूस पीने के लिए आए थे, और वहीं पर जब जूस पीने के दौरान उन्होंने अंदर की तरफ झांक कर देखा तो जो बाल अपचारी था वो अंदर बैठ के पेशाब मिला रहा था, ऐसा इनका आरोप है। हालांकि जैसे ही मौके पर पहुंची पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी है, लेकिन पुलिस का कहना ये भी है कि मानव मूत्र भी वहां से बरामद हुआ है। ये आप जो मानव मूत्र की बात करें, एक लड़का दिख रहा है जिसके हाथ में एक बोतल है, इस बोतल में क्या पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि ये मानव मूत्र ही है, यूरिन ही है जो मिलाकर जूस में लोगों को दिया जाता था? जी बिल्कुल, थाना अंकुर विहार के जो एसीपी हैं भास्कर वर्मा, उन्होंने साफ तौर पे अपने वर्जन में इस बात को कहा है कि दुकान से मानव मूत्र बरामद हुआ है। उसी मानव मूत्र की बात कर रहे हैं जो आप विजुअल में देखते हैं, जो एक छोटा लड़का है, बालअपचारी है, वो अपने हाथ में लिए हुए खड़ा हुआ है। यही कारण भी था कि गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि वहाँ हिंदू संगठन भी पहुंचने आ रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया, उनसे सख्ताई से पूछताछ कर रही है, और विधिक कार्रवाई भी पुलिस द्वारा करने की बात कही जा रही है। और अभी इस दुकान को शट डाउन कर दिया गया है, रात ही इस दुकान को बंद कर दिया गया था, क्योंकि दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, पूछताछ लगातार जारी है। ठीक है, एक एक जानकारी और दे दीजिए कि ये जो लोग यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, इसका वीडियो बना रखा है, सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रहा है, इन लोगों ने, इनसे अगर आपने बात की है तो इन लोगों ने क्या बताया, इनको कैसे पता लगा कि यहाँ जूस में यूरिन मिलाकर लोगों को सर्व किया जाता है, इनको इस बात की जानकारी कैसे मिली, क्या दुकान के किसी शख्स ने इनको बताया? देखिए कंचन, जिस तरीके जो पीली शर्ट में आपको व्यक्ति नजर आ रहा है, जिसके बारे में आप अभी कुछ देर पहले मुझसे पूछ भी रही थी, वही व्यक्ति था, उसका कोई जानकार था, वो दुकान पर जूस पीने आया था। उसी दौरान उसने देखा कि जो दुकान का मालिक है आमिर, वो जूस पिला रहा है, और जो उसका नौकर था वो अंदर की तरफ बैठकर पेशाब कर रहा था एक बोतल में। इसी बात को लेकर वहां नाराजगी बढ़ी, इस चीज को लेकर बढ़ा कि वो पेशाब करने के बाद उस पेशाब को मिलाकर ही लोगों को पिलाया जाता है, और विवाद इस कदर बढ़ा कि वहां पर हाथापाई होने लगी, मारपीट भी आप देख सकते हैं विजुअल में साफ तौर पर नजर आ रही है। इसके बाद वहां पर मौके पर पुलिस भी पहुंची, दोनों को ही हिरासत में भी ले लिया गया।
ये बहुत हैरान करने वाली है और चिंता वाली बात है अमित राणा के। हमने पीछे पीछे भी खबरें दिखाई थी, चाहे ग्रेटर नोएडा हो, चाहे सहारनपुर हो, वहां पर थूक लगाकर रोटी बनाई जाती है, तंदूर में रोटी सेकी जाती है, और अब ये जूस की दुकान पर यूरिन मिलाकर, मानव मूत्र मिलाकर जूस देना लोगों को, ये बहुत गंभीर विषय है। मैं लौटूंगी आपके पास, तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वही जूस की बोतल है जो वहां अपने स्थानीय लोगों ने इस बात को पकड़ा कि ये यूरिन मिलाकर लोगों को जूस दिया जा रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि आप अगर आप कहीं जूस पीने जा रहे हैं तो एक बार आपके जहन में जरूर आ जाएगी ये खबर। हालांकि इस खबर को पुलिस हर एंगल से इस पर छानबीन कर रही है, जांच में जुट चुकी है, आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। अमित राणा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तीन तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है इस समय, पूरी खबर आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। मौसम की बात करते हैं। भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना दोनों नदियां जबरदस्त उफान पर है, जलस्तर इनका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ देखा जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से बढ़ोतरी यहाँ पर पानी की जो शुरू हुई है, ये किस कदर अब चिंता बढ़ा रही है। दोनों नदियों का जलस्तर जो है वो 4 से 5 सेंटीमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप ये तस्वीरें देख रहे हैं प्रयागराज की, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रयागराज संगम किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में इस साल दूसरी बार गंगा का पानी पहुँच गया है। गंगा का पानी हनुमान मंदिर में पहुंचते ही यहाँ विधि विधान तरीके से पूजा अर्चना शुरू कर दी गई, शंख और घंटे बजाकर गंगा मैया का स्वागत किया गया। हालांकि अभी मंदिर के कपाट बंद नहीं किए गए हैं, नदियों का पानी अभी रिहायशी इलाकों में नहीं पहुंचा है इसी वजह से, लेकिन जानकारों के मुताबिक जलस्तर बढ़ने का सिलसिला अगले 2 दिनों तक यूं ही जारी रह सकता है, इसके बाद जलस्तर फिर से सामान्य हो जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ ही आपको बता रहे हैं कि प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां अभी खतरे के निशान से तकरीबन 5 मीटर नीचे बह रही हैं। उधर हमीरपुर में भी यमुना और बेतवा नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ा हुआ है। यमुना खतरे के निशान के पार निकल चुकी है, जबकि केन नदी का जलस्तर बढ़ने से मोधा क्षेत्र के गढ़ा गांव का संपर्क टूट गया है। दोनों गांव के लोग नाव से आने जाने को मजबूर हो रखे हैं। प्रशासन बाढ़ को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है, लगभग 10 गांव में पानी घुसा हुआ है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं नारकोटिक्स ब्यूरो लखनऊ में टीम ने बिजनौर के स्योहरा में एक यूनानी मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। टीम को लंबे समय से यहां से शिकायतें मिल रही थी और इस स्टोर से नशीली दवाइयां अवैध बिक्री की जा रही थी, जो जानकारी मिल रही थी टीम को। टीम ने यहां से भारी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की हैं। नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम उसले बोरे में भरकर अपने साथ ले गई है। बढ़ते हैं आगे, कुछ रफ्तार से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर देखा गया है। तेज रफ्तार कार यहां गणेश पंडाल, पूजा पंडाल में घुस गई है। इस हादसे में महिला बच्चे समेत कुल मिलाकर 5 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। गंभीर रूप से घायलों का इलाज चल रहा है, पास के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। इस घटना से गुस्साए लोगों ने 2 कार सवारों को पीट डाला। पुलिस को सौंपा पीटने के बाद गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र द्वारका मोहिनी के पास बने गणेश पूजा पंडाल की ये घटना है। शाहजहांपुर से खबर, जहां पर कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगते ही कार धू धू कर जलने लगी, कार पूरी तरह से आग का गोला बन गई। कार में बैठे लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। कार में लगी आग, आप देख सकते हैं किस तरह से भयंकर आग लगी कार में। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। जानकारी मिल रही है कार सवार लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। घटना थाना चौक कोतवाली के राजघाट चौकी की है। कार में शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके बाद आग लगी। Thank you.
तस्वीरें आप देख रहे हैं, फायर ब्रिगेड की टीम को जब जानकारी मिली तो टीम मौके पर पहुंचती है और बमुश्किल कार पर जो आग लगी हुई थी उस पर काबू पाया गया। कार पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुकी है। खबर उन्नाव से, जहां पर गांव के बाहर बने घर में डकैती की वारदात हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाइक सवार नकाबपोश 7 बदमाशों ने इस डकैती की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन उनमें से 2 बदमाश पकड़े भी गए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अचानक से बदमाश आए और बंदूक के बल पर घर के बाहर बैठे लोगों को अंदर लेके गए, जबरन घर के लॉकर और ताले खुलवाए। पीड़ित परिवार का दावा है कि बदमाश करीब 10 लाख के गहने और 2 लाख का कैश लेकर भागे हैं। इतना ही नहीं, घर की औरतों ने जो मंगलसूत्र पहने हुए थे, इन बदमाशों ने वो मंगलसूत्र भी उतरवा लिए, वो भी लेकर चले गए हैं। बदमाशों के घर से निकलने पर घर वालों ने जब शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों ने बदमाशों में से 2 बदमाशों को बाइक के साथ पकड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाश के साथ 2 बदमाशों को हिरासत में ले लिया है। उन्नाव के बाद खबर शाहजहांपुर से है। शाहजहांपुर पुलिस ने ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले गैंग के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी बिना नंबर प्लेट की बाइक से जा रहे थे। पुलिस ने चारों आरोपियों की निशानदेही से चोरी किया गया डीजल निकालने वाली मशीन और तमंचा बरामद किया है। इनमें से 2 आरोपी मुजफ्फरनगर और 2 मेरठ के रहने वाले हैं। ये लोग ड्राइवर और कंडक्टर के सो जाने के बाद डीजल टैंक पर लगे हुए ढक्कन को तोड़कर डीजल चोरी करते थे। हापुड़ के रहने वाले एक आदमी को बेच दिया करते थे फिर, लेकिन अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं चोर। आसिम खुद असलम, जिला मेरठ, उम्र 19 वर्ष। इनसे पूछताछ में पता चला है कि यह ट्रक व बसों से तेल चोरी करते हैं, इसे फिर अन्य जगह बेच देते हैं। इनके पास से 80 लीटर तेल बरामद हुआ है व 2 मोटरसाइकिल व 2 तमंचे बरामद हुए हैं, 2 कारतूस व 2 खोखे बरामद हुए हैं। इस संबंध में सुरंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है व अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनके ऊपर तेल चोरी के पूर्व में मुकदमे पंजीकृत हैं जिला कानपुर देहात में। अन्य कार्रवाई कर इनको जिला न्यायालय में प्रस्तुत कराया जाए। बढ़ते आगे सीतापुर की खबर आपको बताएं, जहां लखनऊ दिल्ली हाईवे पर कार सवार बदमाशों की एसओजी और पुलिस की टीम से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोली भी लगी, जबकि 3 से 4 बदमाश जंगल की ओर भागे हैं, जो कि फरार हो गए हैं। जानकारी मिल रही है इनके पास से, पुलिस ने 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है जिनको गोली लगी है। 2 शातिर पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। 2 लूट और चोरी के मामले में फरार चल रहे थे। घायल बदमाश कमलेश लोनिया पर 28 मुकदमे दर्ज हैं। कुछ जिंदा हुए दगे हुए कारतूस बरामद हुए हैं। अन्य जो इनके साथी हैं उनकी तलाश की जा रही है। इनके द्वारा भी बताया गया कि इनके साथ अभी 4-5 लोग और थे, तो ये लोग किसी घटना की फिराक में थे, तो उसी क्रम में आज ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस के द्वारा इन लोगों के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पहले से घोषित था। इन दोनों अपराधियों के नाम कमलेश लोनिया है। ये लोग इनमें से एक रेवसा थाने का रहने वाला है, एक थानगांव का रहने वाला है, और ये लोग घूम घूम कर इस तरह की घटनाएँ करते हैं। प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा लखनऊ, हरदोई व अन्य जनपदों में भी घटना करना स्वीकार किया गया है। आगे की जांच चल रही है, मौके पर जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। सीतापुर के बाद खबर आगरा से है, जहां पर नर्स गोलीकांड के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली भी लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और एसएन मेडिकल कॉलेज में उसको भर्ती कराए जाने के बाद अब जेल में डाला गया है। आरोप के मुताबिक गुरुवार रात थाना ताजगंज क्षेत्र के ताजनगरी में बबलू नाम के लड़के ने नर्स को गोली मार दी थी। इलाज के दौरान निजी अस्पताल में भर्ती कराई गई नर्स की मौत हो गई थी। अब बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था और प्रेम संबंध में आपसी मनमुटाव के चलते ही बबलू नाम के लड़के ने तमंचे से फायरिंग की थी। कर रहे हो क्या? लगातार दबिशें दी जा रही थी और इसी दबिश इन्हीं चलती हुई दबिशों के नतीजे से आज जब हमारी टीम इस इनर रोड पर चेकिंग कर रही थी, तो उस समय
एक अज्ञात गाड़ी तेजी से आती हुई दिखी। पुलिस ने जब उसने रुकने का इशारा किया तो व्यक्ति गाड़ी न रोक के तेजी से उसने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया और पुलिस पे फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस को उस पर फायर करना पड़ा। उसके पैर में, दाहिने पैर में गोली लगी हुई है और जब उसकी शिनाख्त की गई, पहचाना गया, तो व्यक्ति बबलू निकला। उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर में संदिग्ध हालत में एक लड़के के लापता होने से हड़कंप मच गया है। लापता लड़के के परिजनों ने लड़के के प्रेमिका के परिवार वालों पर हत्या करने का शक जताया है। हैरानी की बात यहां पर यह है कि लड़के के गायब होने के बाद से ही गांव का एक परिवार भी घर पर ताला लगाकर गायब हो गया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस लड़के की तलाश में जुटी हुई है। डॉग स्क्वाड की और फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है लापता लड़के की तलाश के लिए। पुलिस तमाम पहलुओं पर हर एंगल से जांच कर रही है। खबर हरदोई से है, जहां पर एक नाबालिग लड़की ने मौलाना पर इलाज के बहाने तंत्र मंत्र करने का आरोप लगाया है। नाबालिग लड़की का आरोप है कि मौलाना के इलाज की वजह से ही दिमागी तौर पर उसकी परेशानियां बढ़ गई। उसको परेशानियां अब हो रही हैं। वो मौलाना के पास जाती थी तो ठीक हो जाती थी और अब जब घर आती है तो फिर बीमार हो जाती है। वहीं नाबालिग लड़की की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी मौलाना गिरफ्तार हो चुका है। अमला सर, हमको बहुत परेशानी करते हैं। मेरी तबीयत खराब कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जी माथों के दर हमको उठवा लेते थे। आज इनके पास झाड़ फूक कराने के लिए हम गए थे और इन्होंने मुझे ठीक करके बाद में अपना जो इनके पास जीनात थे वो लगा दिया मेरे पास। उनकी पुत्री के तरफ से एक तहरीर दी गई जिसमें कहा गया कि मुफ्ती इमरान निवासी कृष्णा नगर थाना वेलीगंज द्वारा उनके साथ झाड़ फूक तथा तांत्रिक गतिविधियां की जाती हैं जिससे आवेदिका मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगी। इसकी शिकायत करने पर इमरान ने आवेदिका से अभद्रता की। उक्त प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही। यूपी में राजस्व विभाग में जल्द होगी भर्ती। बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए हैं इस पर निर्देश। लेखपाल नायब तहसीलदार के खाली पदों पर जल्द ही भर्ती होने जा रही है। तो प्रदेश के युवाओं के लिए एक और बड़ा मौका राजस्व निरीक्षक के पदों पर भर्ती पर आवेदन करने का। सीएम योगी ने लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार के साथ साथ लिपिकीय स्वंग्र के लिए सभी खाली पदों पर नियुक्ति के लिए तत्काल प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा ये जान लीजिए कि तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक जैसे पदों के जहां पर प्रमोशन रुके हुए हैं तो वहां फौरन प्रमोशन प्रक्रिया पूरी करने के भी आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राजस्व विभाग सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़ा हुआ है। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों से लेकर पैमाइश, नामांकन, घरौनी, खतौनी, सर्वे, पट्टा सहित ढेरों महत्वपूर्ण प्रकरणों का समय पर पूरे हो सके और इसके लिए न केवल विभाग के रिक्त पदों पर नई नियुक्तियों की आवश्यकता है बल्कि आवश्यकतानुसार नवीन पदों का सृजन भी किया जाए।